वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको पनीर की एक डिश बनाना बताऊंगी, वो है पनीर बटर मसाला। बिल्कुल मैं आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है, इसमें अब हम ऐड करेंगे बटर। तो 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बटर। बटर को हम मेल्ट करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक। अब इसमें डालेंगे हम दालचीनी। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 2 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको हम डाल देंगे। धोकर एक बार ऐसे इसको कट करना है और इसको हम चलाएंगे। मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर कट किए हुए, 3 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, वो इसमें हम डालेंगे और इसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। हमें इसको पकाना है फुल फ्लेम पे। पैन को अब हम ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। ग्रेवी जब तक पकती है हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप काजू लिए हैं, इसको 1 घंटे के लिए मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था। तो इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, अच्छे से पक गए हैं टमाटर। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इनको ठंडा होने देंगे हम। और जब ये ठंडा हो जाएंगे तो हमें इसे ग्राइंडर जार में हमें इसकी प्यूरी बनानी है। अब जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको हमें छानना है, तो उसको हम छान लेते हैं। छानने से क्या होता है कि इसमें जो बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं, पीसने में बराबर नहीं पीसा जाता है, तो वो आसानी से जो है निकल जाए। प्यूरी जो है हमारी एक साथ और अच्छी बनती है छानने से। प्यूरी को हमने छान लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सब्जी की सारी तैयारी हमारी हो गई है, बस अब हमें सब्जी ही बनानी है। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है। अब भाई पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो बटर के बिना तो मजा नहीं आएगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बटर और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे घी और एक बार मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसमें कलर अच्छा आता है तो वो हम इसमें डाल देते हैं। एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे और बहुत जल्दी से हमें प्यूरी डालनी है इसमें। और सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने जैसे ही लाल मिर्च डाली, डालने के साथ ही मैंने इसमें प्यूरी ऐड कर दी थी। वो इसलिए कि यदि हमने लाल मिर्च डाली और कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो लाल मिर्च जो हमारी जल जाएगी। तो हमें ये प्रोसेस बहुत ही फटाफट करना है और फटाफट ही हमें इसमें प्यूरी ऐड करनी है। तेल या घी में या बटर में किसी में भी आप लाल मिर्च डालो सब्जी में, उससे जो है सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लाल मिर्च जो है मसाले के साथ ऐड नहीं करके तेल घी या बटर में ही ऐड करें। 5 से 7 मिनट तक हमें इसको पकाना है। लो फ्लेम पे हम इसको ढक के पकाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। अब जो हमने काजू की प्यूरी बनाई थी वो इसमें अब हम डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है सूखा धनिया पाउडर, ये भी इसमें हम डाल देंगे और मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हमें इसको पकाना है। यदि ग्राइंडर जार में थोड़ा सा काजू का पेस्ट रह गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप उसे निकाल लें और ग्रेवी में डाल सकते हैं। पैन को हम कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। अब हम चेक कर लेते हैं, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। डालेंगे इसको प्यूरी, देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब इसमें हमें ऐड करना है 1/4 गिलास पानी, तो पानी ऐड करेंगे हम और फुल फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ग्रेवी अच्छे से पकने लग गई है तो हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट हम इसको कम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, इसको एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए पनीर बटर मसाला की ग्रेवी जो हमारी थिक हो गई है, हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अब गरम मसाला, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। सभी को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अब यहाँ पर मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, ये इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून। और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही क्रीम डालेंगे इसका कलर आप देखेगा और भी अच्छा होता जाएगा।
आपके पास यदि क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। कम फ्लेम पे हमें इसे 5 से 7 मिनट पकाना है, तो इसे हम ढक के एक बार फिर से रख देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हमें डालना है कसूरी मेथी, तो वो हम इसमें डालेंगे। तो 1 टीस्पून में इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, और इसमें हमें ऐड करना है पनीर। पनीर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है, इनको मैंने कट कर लिया है। सभी पनीर को हम इसमें डाल देते हैं। तो पनीर को मैंने इसमें डाल दिया है, एक बार हम इनको मिक्स करेंगे। मैंने इसमें पनीर को ऐसे ही डाला है, आप चाहे तो सेलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बस सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनी है और कितनी थिक बनी है, ये भी आप देखिए। जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए। चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो एक प्लेट में हम सब्जी को सर्व करेंगे। सब्जी को मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। धनिया पत्ती से हम इसकी करेंगे गार्निश। बिल्कुल हमने आज रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है। थोड़ी सी हम इस पे लगा देते हैं क्रीम। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। पनीर बटर मसाला को हम पराठा, नान, कुलचा के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। यदि आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।